सीख लिया ना, समझ में आ गया ना क्या प्रॉब्लम आती है, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर। गुड गुड। ये क्या हुआ? चलिए देखते हैं। काफी लेट आई आवाज। आवाज आ रही है? आ रही है लेकिन मेरी आवाज आपको बहुत लेट आई। मैं ये देख रहा था कि YouTube में गया कि नहीं गया। Lot of lag because I spoken three sentences and they haven't reached you. एक मिनट में चेक करूँ। हाँ, मेरी भी आवाज लेट ट्रांसफर हो। YouTube में स्ट्रीम करते हैं ना तो थोड़ा डिले हो जाता है। Now it will be better, I think. So there's a delay of at least 2 minutes. Now it will not be there. Dekho. Is there a delay? Sir, I spoke 2 sentences at 3:53. Kya ho raha hai? Why is it happening? Are you able to hear me? I can hear you. हाँ ठीक। वो कुछ पता नहीं चलता क्या क्या हो जाता है। दीपक जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर मुझे शेयरिंग की ना परमिशन चाहिए होगी आपसे। क्या करूं? आई थिंक नीचे जहाँ पे शेयर स्क्रीन लिखा हुआ वहाँ पे परमिशन का भी शायद ऑप्शन होगा। लिखा जाए ना। मेरे को लिखा हुआ शेयर करने को परमिशन का तो कुछ नहीं है। अलाउ शेयरिंग टू अदर्स करके भी होगा। ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग शेयर्स कंप्यूटर साउंड बेसिक एडवांस्ड मेरे लिए लिखा हुआ कोई स्टॉप रिकॉर्डिंग रिएक्शंस मोर अलाउ तो नहीं है। शेयर में वन पार्टिसिपेंट मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर ये है ना ये कर दूं? कर दीजिए सर एक बार देख लेते हैं। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली या वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस देखता हूं। हु कैन शेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स कर देता हूं। हाँ जी सर क्योंकि वन पार्टिसिपेंट तो अभी अलाउड है। हाँ ऑल हाँ मतलब मल्टीपल कर देता हूँ। मल्टीपल कर अब देखो। हाँ सर अब दिखा रहे हैं। बता रहे हैं? हाँ जी सर मैं एक बार देख चेक कर लो शेयर कर। हाँ मैं कर दूँगा। ठीक है सर। ऑल वेल। यस सर। एक चीज आप और सर कर सकते हैं सर पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे म्यूट के आगे शायद एक मोर का बटन होगा। म्यूट के आगे एक स्टॉप वीडियो है। हाँ मोर भी करके है क्या? या वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो शायद म्यूट के म्यूट को करूँ क्लिक? नहीं नहीं मुझे को होस्ट बना दीजिए। कैसे करूँ बताओ? वहीं पे मेरे मेरे पार्टिसिपेंट का जो नाम है उसमें ही लिखा हुआ और अच्छा स्टॉप वीडियो मेक को होस्ट। चलो ठीक है। डू यू वांट टू मेक डीजी को होस्ट? यस यस ठीक है। यस सर।
हाँ तो अगर मुझे किसी को म्यूट करना होगा तो वो हो जाएगा। तुम कर सकते हो सब कुछ है। चलो ठीक है, संगीता जी नमस्ते। नमस्ते जी, दिखा दो, कोई बात नहीं। एक नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। फोन पे कर रही हूँ ना, तो इसलिए इसको अब रखना पड़ता है जगह पे। हेलो हरी, हाउ आर यू? हाँ सब फाइन सर, एवरीथिंग ऑल राइट हियर। ओके, व्हाई डोंट यू शो योर फेस एट लीस्ट वंस। हाँ गुड, सर, थिंग्स आर फाइन। लाइट इज लेस। हाँ सर, यू आर सिटिंग इन योर रूम? सर इन द रूम ऑन द लैपटॉप एक्चुअली। ओके, एनी न्यूज़ अबाउट योर वीसा? सर नो न्यूज, नो न्यूज़। ओनली थिंग इज अनिच्छा। गुड, ओके ओके। Hello, Mr. Jitinder Kumar. Can you kindly introduce yourself? I'm not able to remember. Jitinder Kumar, teaching philosophy in Government Mahindra College, Patiala. I was there in Dhamma Yatra near Kurukshetra with you. I see, I see. Yeah. If you show your face, then I can recognize. Yeah. In the first yatra or second one? Yeah. I just. Ajahn Jivako or Ajahn Kevli? You may have recognized me, sir. विद अजान जीवी को सर जी। आई कांट आई सी दिस? Rajiv Sharma ji, can you kindly introduce yourself? I'm not able to remember. Hello. Introduce karenge? जी, मेरा नाम राजीव है, 34 साल का हूँ। आप धम्माराम आए कभी? नहीं। हाँ जी सर, आए थे। जब अजान जीविको थे तो शिविर अटेंड किया था 3 दिन का। अच्छा। जब अजान केवाली, अजान लुंगपो और टीएम आए हुए थे तो किचन में सेवा दे रहा था। हेलो। हेलो। बाकी अजान चंद्रशीर जब आई हुई थी तब अटेंड किया था। आप हमारे साथ रिट्रीट में उसमें थे, पिलग्रिमेज पे गए थे? नहीं, पिलग्रिमेज पे नहीं गया था। अच्छा।
Shivani ji, should we start the session? आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक इस सत्र में, जहाँ पर हमारी सब शंकाओं का समाधान होता है। और मैं सभी जो बुद्ध भगवान की शिक्षा पर के रास्ते पर चलने वाले जो मेरे सब कल्याण मित्र हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं सर का और मैडम का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आप समय निकाल कर हमारे लिए, हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आए हैं। एंड तो आज का हम सत्र शुरू करते हैं। और दीप्ति जी किसी कारण से व्यस्त हैं, इसलिए आज सूत्र संचालन मैं कर रही हूँ। अगर राजेंद्र जी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रिलिमिनरी हमें लीड करें। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार। जो तो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो स्वार्थतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो श्रावक संघो धम्मयं भगवन्तं तद्धम्मं च संघं इमे हि सत्कारे यथा अर्हं आरोपिते अभिपूजयामा साधुनो भन्ते भगवासुचि हरिनिपतोपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुग्धपणाकार भूते पटिगणहातु अमहाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादिं सार्थतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो संघं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो भूभाग नमस्कारं करोमसि नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स मैं दीपक जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको आवाज साफ नहीं आ रही। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लस कोई में से तो नमस्ते एवरीबॉडी। आज जो हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे
वो सेक्शन है डिस्टेंट आइलैंड्स, एंड इसमें अब तक जो हमने देखा कि किस तरीके से लुआंगपोर खुद मॉन्ग बने और उन्होंने मॉनेस्ट्री एस्टेब्लिश करी और किस तरह से थाई मॉन्ग्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें वेस्टर्न मॉन्ग्स किस तरह से थाईलैंड में आए और किस तरह से मॉनेस्ट्री में आए और अजान चा ने उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पहला सेक्शन स्टार्ट होता है वो सेक्शन का नाम है फरंग, एंड अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे नेट के ऊपर तो फरंग ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है थाईलैंड की लोकल भाषा में जो कि अमेरिकन या यूरोपियन वासी हो। एंड अजान जैसारो जिन्होंने पुस्तक लिखी उसके अंदर वो शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से थाईलैंड के अंदर थाईलैंड का इंटरेक्शन यूरोपियन कल्चर के साथ हुआ या अमेरिकन कल्चर के साथ हुआ, और उस कंटिन्यूटी को आगे ले जाते हुए वो बताते हैं कि उस कल्चर का थाईलैंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड देन वो हमें आगे बताते हैं कि किस तरह से पहले डिसाइपल वेस्टर्न डिसाइपल उनकी मॉनेस्ट्री में आए। तो हम बात कर रहे हैं मिड 14th सेंचुरी की, एंड उस टाइम से थाईलैंड का जो नाम था थाईलैंड की जो कैपिटल थी उस वो बैंकॉक ना होके अयोध्या के नाम से थी, एंड अयोध्या का मेन सिग्निफिकेंस उस ज़माने में शायद ये था कि वो थाईलैंड में एंट्री जब लैंड से एंट्री करते हैं तो शायद वो एक बड़ा प्रमुख शहर था, तो और क्योंकि वो उस समय शायद सी से ट्रेडिंग करना इतना सेफ नहीं था और लैंड की ट्रेडिंग ज़्यादा सेफ थी, तो लैंड पे जो थाईलैंड में एंटर करते हुए जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम अयोध्या था, और उस अपने ज़माने में अयोध्या जो था वो काफ़ी बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर बना, वो एक टाइम पे लंदन से भी बड़ा था उस ज़माने में, और उसकी भव्यता को बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे 500 से ज़्यादा मंदिर थे, पगोडा थे, और उन पे गोल्ड लीफ से डेकोरेशंस करी हुई थी। अब इससे जब हम इस समय में आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मिड 17th सेंचुरी में जब ट्रेडिंग के लिए यूरोपियन कंट्री से ट्रेडर्स आए, फ्रांस से आए, हॉलैंड, पोर्तुगल, इंग्लैंड से आए, तो अयोध्या की जो बाउंड्री वॉल थी उससे बाहर उन्होंने अपना एक तरह का हैबिटेट बना, इनहैबिटेंट वहाँ पे आके बसे, और उनको थाईलैंड के कल्चर में वेस्टर्नर्स और फरंग का नाम दिया गया। एंड हम ये उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब थाईलैंड में भी किंगडम में किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, और सेम एज प्रॉब्ली रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड उस सेंस में अगर आप हम ये देखेंगे तो क्योंकि जो भी वेस्टर्न लोग आए वो उनकी बॉडी हेल्थ हाइट और इन जनरल फिजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल अपीरेंस जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी लंबे चौड़े होते थे, तो एक तरह से जो उस ज़माने में लोग थे उनको एक तरह से वो ऑग्र स्पीशीज़ का मानते, ऑग्र स्पीशीज़ आई थिंक एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है कि ये कोई बहुत लंबा चौड़ा सा इंसान है, ताकतवर इंसान है जो कि शायद बच्चों का किडनैप करके उनको खाता था, तो इस तरह की स्टोरी है। तो ये एक तरह का वर्णन बता रहे हैं कि शुरू शुरू में जब वेस्टर्न लोग आए तो थाईलैंड के लोग उनको, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह के फेयर स्किन के बिग फिजिकल स्ट्रेंथ के लोग नहीं देखे थे, तो देर वॉज ऑलवेज ए वे टू ट्राई टू लेबल देम।
एंड जब ये इंटरेक्शन ट्रेडिंग का इंटरेक्शन हुआ यूरोपियन पीपल के साथ, तो एज़ हम जैसे हमने इंडिया में भी देखा ही है कि उनके साथ वेस्टर्न क्लर्जी भी आई, जो कि अपना लोकल उनका जो रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन है शायद, वो अपने उसके साथ लेके आए. बट उस समय क्योंकि आई थिंक अगर आप एक जो चर्च का फादर होता है उसका रहन सहन या उसकी टीचिंग को कंपेयर करें एक एक मॉन्क की टीचिंग से, तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं. तो उस डिफरेंसेस में जो थाईलैंड के जो लोग थे वो इतना वेस्टर्न रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए. एंड फिर आगे बात आ रही है ये समय की 1656 to 1888, उसमें जो किंग थे नराई, वहाँ पे उन्होंने अपना एक मंत्री अपॉइंट करा जो कि ट्रेडिंग को देखता था. और बिकॉज सॉरी लेट मी जस्ट सी के कैन आई म्यूट. तो वो क्योंकि ट्रेडिंग को देखता था तो वो किंग के बाद नंबर टू में बना. जस्टिस एक लेट मी जस्ट म्यूट पीपल. ओके. एंड तो किंग के बाद वो एक तरह का काफ़ी पावरफुल इंसान बना और उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन पॉलुकोन. और उससे शायद उस समय किंग प्रभावित होके वो कैथोलिक भी बन गए. बट किंग के डेथ के बाद, किंग नराई के डेथ के बाद शायद ये फॉलुकोन ने कोशिश करी होगी कि अगला किंग भी वहाँ पे क्रिश्चियन प्रिंस बने और वो कंट्री भी जो है उस समय किंग लुइस 14 के कंट्रोल में आए. बट ऐसा नहीं हो पाया और किंग के मरने के बाद उन्होंने फॉलुकोन को भी मार दिया और थाई किंगडम में जो वहाँ के लोग थे उस समय थाईलैंड को सियामीस सीएम के नाम से भी उसका नाम सीएम था. तो हमेशा एक तरह से जो यूरोपियन लोग थे आने वाले 150 सालों तक, उन्होंने यूरोपियन लोगों को थोड़ा सस्पिशन फियर के साथ ही देखा और एक तरह का शायद गैप मेंटेन करके रखा. पर आने वाले समय में जब फ्रेंच और ब्रिटिश एक सेकंड मुझे एक चैट पे मैसेज भी दिख रहा था. ओके. सो सर का मैसेज है कि हम थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, तो इसको सेक्शन को मैं थोड़ा सा फास्ट स्किप करता हुआ. तो इसमें जो आई थिंक इम्पोर्टेंट पार्ट ये निकल के आया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश के आने से थाईलैंड में फॉरेन कल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ और वहाँ का किंग भी जो था वो थोड़ा सा फॉरेन कल्चर को अपनाने लगा. और उस फॉरेन कल्चर को अपनाने के बाद वहाँ पे जब ये टाइम आता है अजान चाह के, जब वो आई थिंक अराउंड 18 इयर्स के अपने याशद आसपास के टाइम के होंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि उस समय वेस्टर्न कल्चर काफ़ी थाईलैंड में आ चुका था. और वो वेस्टर्न कल्चर में जो टिपिकल है इम्पोर्टेड क्लोथ पहनना और गाड़ियों इम्पोर्टेड गाड़ियों में जाना, उस तरह का खाना रहन सहन, तो एक तरह का थाईलैंड के अंदर एक तरह का कल्चर चेंज आ चुका था. एंड इस कल्चर चेंज में एक जो बड़ा चेंज आया वो 1960 में वियतनाम वॉर में भी आया, जब उबॉन जो था वो शायद हनोई के पास था, बैंकॉक से ज़्यादा पास था उबॉन हनोई के, तो
शायद वहाँ से लड़ाई के लिए थाईलैंड का भी सॉरी वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स आए और शायद वहाँ से लड़ाई करी। तो ये सारी जो भूमिका है ये खाली इस तरह से बताने के लिए कि किस तरह से धीरे धीरे थाईलैंड में वेस्टर्न लोगों का प्रभाव हुआ, उनके कल्चर का प्रभाव हुआ। अब एक जो इस सेक्शन में बात निकल के आती है कि ऊपर जो हमने सारी बातें करी उसके अलावा एक चीज़ और भी हुई कि उस ज़माने में वटपा पोंग के टाइम पे जो खेतों में किसान काम करते थे उनको भी ये दिखा कि कोई फॉरनर्स जो हैं वो अपने कंधे पे लंबा सा बैकपैक लेके गांव की जो सड़कें हैं या खेतों की सड़कें हैं उनसे चले जा रहे हैं। तो प्रायः जो खेतों में लोग काम करते हैं उनकी जब उन पे नज़र गई तो कौन थे वो लोग? वो लोग थे जो अपना रास्ता ढूंढते हुए वटपा पोंग को ढूंढते हुए पैदल जा रहे थे और मॉनेस्ट्री में शायद अजान जाग से मिलने जा रहे थे। तो धीरे धीरे करके उस पार्ट पे ये वो दौर आया कि वटपा पोंग में वेस्टर्न डिसाइपल्स का भी आगमन हुआ। अब जो अगला सेक्शन है मोर देन वर्ड्स, उसमें स्पेसिफिकली ये बात आती है कि अजान चार्ज जो थे उनको थाई लैंग्वेज ही आती थी और लोकल डायलैक्ट आता था या सेंट्रल थाईलैंड आती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी ना कि बाई बाकी जो लोग मॉन्क्स थे थाई मॉन्क्स थे उनमें से भी शायद ऐसा कोई नहीं था। तो फिर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि किस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न मॉन्क्स को टीचिंग दी, तो उसमें जो अजान चाह का आंसर था वो ये था कि उनको बुद्धिज़्म की टीचिंग देनी है ना कि एक तरह से फिलॉसफी बतानी है। और जो बुद्धिज़्म की टीचिंग है वो एक तरह का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, उसका कॉज और क्या रास्ता है उसकी सेसेशन का और किस तरह से उस रास्ते को ढूंढना है। और इसी को अजान चाह ने कई बार समझाया कि मान लेते हैं कि आपने एक थर्मस से गर्म पानी को एक कप में डाला और अगर पानी गर्म है तो उसको शायद आप लाओ की लैंग्वेज में बोल दोगे नाम रोम, और उस तक अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल दोगे नाम रोम, लाओ की लैंग्वेज में बोल दोगे नाम हॉन, और अगर इंग्लिश में आपको बोलना होगा तो आप बोल दोगे हॉट वाटर। बट अगर आप अपनी उंगली लेके उस गर्म पानी में डालोगे तो आपकी उंगली पे जब वो गर्म पानी स्पर्श करेगा और उससे जो आपको फीलिंग आएगी वो फीलिंग को आपको किसी लैंग्वेज से समझने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में वो फीलिंग एक सफिशिएंट है आपको एक टीचिंग देने के लिए कि ये पानी गर्म है। तो इसी का उदाहरण दे के बताया गया कि क्यों कठिनाई नहीं होगी लैंग्वेज का बैरियर ना होते हुए भी। एक और एग्जांपल उन्होंने शायद बफेलो का या पालतू जानवरों का दिया कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर भी है तो क्या आपको पालतू जानवर की भाषा समझनी पड़ेगी अगर आपको उससे कुछ सिखाना है या उसे कुछ करना है? तो इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे लेते हुए उन्होंने बोला कि अगर आपको एक बफेलो है, अगर बफेलो को आपने अगर एक रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को आप अगर अपने साथ खींच के ले जा रहे हैं तो इवेंचुअली जो बफेलो है वो भी आपके पीछे आने लगेगी। तो आई थिंक उसका अजानचा का मतलब यही है कि अगर आप मॉन्क्स को एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अगर वो ट्रेनिंग से खींचे खींचे अपने आप भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने लगेंगे, आपको ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बस वो एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न लोग थे वो अपना मॉन्की जब वो जीने आए तो बिना लैंग्वेज को जाने और मॉनेस्ट्री का जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फूड है उसको उन्होंने अपनाया और पीस और विजडम के लिए उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो थाई मॉन्क्स अपनाते थे। और ये अपने आप में उस समय में भी एक बहुत बैफलिंग और फैसिनेटिंग दृश्य होता था उन लोगों के लिए भी जो जिन्होंने कभी वेस्टर्न लोगों को
एंड नहीं देखा है। एंड एक चीज़ और जो यहाँ पे निकल के आती है कि अजान चा का एक जो ट्रेनिंग का मेथड है जो उन्होंने अपने थाई मॉन्क्स के साथ भी इस्तेमाल किया कि वो एक अपना खुद का एक एग्जांपल शो करते थे और उस एग्जांपल से लीड करते थे। और एक जो बेसिक ट्रेनिंग है अजान चा की टीचिंग्स की कि गुड एक्शंस यील्ड गुड रिजल्ट्स, बैड एक्शंस यील्ड बैड रिजल्ट। And I see them, I give them the opportunity to see them. कि basically अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे बुरा होगा। और अगर अजान शाह खुद इस चीज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और बाकी मॉन्क्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो अपने आप ही चाहे वेस्टर्न मॉन्क्स हो चाहे थाई मॉन्क्स हो वो अपने आप ही सीख पाएंगे। एक चीज़ जो और अच्छी कही गई यहाँ पे जो वेस्टर्न डिसाइपल्स आए उनके बारे में कि उनमें एक तरह का बिगनर्स माइंड था। बिगनर्स माइंड में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में जब बड़े होते हैं तो वो ट्रेडिशन की कई चीज़ें हम धीरे धीरे जान लेते हैं। तो अगर हमें उससे थोड़ा सा हट के कुछ करना पड़े, मतलब उस ट्रेडिशन में ही अगर हमें आगे कुछ करना पड़े तो हम अपने साथ हमारे बचपन का ही वो सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं, तो उनको एक साइड पर रख के एक फ्रेश नज़रिए सोचना एक बार मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हैं और दूसरी कंट्री का कल्चर बिल्कुल नहीं जानते हैं और एक नई तरह के ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर में हैं तो आप एक बिगनर्स माइंड से ओपन माइंड से सब चीज़ों को आप सीखेंगे। और दूसरी एडिशनल चीज़ जो थी वेस्टर्न डिसाइपल्स के लिए कि वो फ्री ऑफ कंप्लेसेंसी थे, उनमें काफ़ी हार्डवर्क करने की थी एंड काफ़ी मेहनती थे। एंड दूसरी चीज़ जो थी वो वेस्टर्न लोगों में प्राय ओपन कल्चर रहा ही है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं। तो वो एक शुरू में एक तरह का हिंडरेंस था कि नॉर्मली हम अगर एक किसी गुरु से या किसी मॉन्क से टीचिंग लेने जाते हैं तो अगर मॉन्क ने अगर कुछ बोला है तो प्रायः शायद हमारे एशियन कल्चर में होता है कि आप उनकी बात को अपने मन में रख के कोशिश करते हैं कि समझें कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट क्योंकि वेस्टर्न माइंड थोड़ा ओपन माइंड होता है क्वेश्चन मांग में, तो कुछ भी ट्रेनिंग है, कुछ भी अगर मॉन्क्स ने बोला तो आप उसको क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अजान चाह के शुरू में जो उनको वेस्टर्न मॉन्क्स की तरफ ध्यान देना पड़ा, बट एक बार उन्होंने जब उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए और एक तरह से उनके थिंकिंग माइंड को अगर जब वो एक तरह से पॉज लगा पाए तो वेस्टर्न मॉन्क्स भी अपने आप ही उस टीचिंग में आगे बढ़ने लगे। तो आगे वाला जो सेक्शन है हम जो बात कर रहे हैं वो अब हम अजान चाह की बात कर रहे हैं, अजान सुमेधो की बात कर रहे हैं जो कि पहले डिसाइपल थे। अब हम बात कर रहे हैं 1967 में जब वेनरेबल सुमई एक मॉन्क अजान चाह को अपने साथ वटपा पोंग में लेके आए थे और अजान सुमेधो को लेके आए थे। अजान सुमेधो उनकी लंबी हाइट है 6'2", एकदम फेयर कम्प्लेक्शन, एंगुलर एकदम पॉइंटेड नोज और नीली आंखें, तो एक तरह से काफ़ी अलग तरह की फिगर आती है उस ज़माने में जब वहाँ पे सारे लोकल थाई लोग थे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे अजान सुमेधो की बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है कि पहले वो अमेरिकन वॉर में थे, उसके बाद वो कॉलेज में जाके उन्होंने एशियन स्टडीज़ पे कोर्स किया था, फिर उसमें नेवी के अंदर वो पीस कॉर्प में थे और उसके बाद शायद वो टीचिंग के लिए थाईलैंड में तामसेट यूनिवर्सिटी में थाईलैंड में टीचिंग कर रहे थे। वहीं पे उन्हें पहली मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शंस मिली और शायद वहीं पे वो ऑर्डेन हुए। वॉट महातन का यहाँ पे नाम भी आता है और यहाँ से उनका एज ए मॉन्क जीवन चालू होता है। और अजान सुमेधो के बैकग्राउंड को आगे अगर हम समझें तो
वटपा पोंग में आने से पहले वो कुछ महीनों तक एक सॉलिटरी रिट्रीट कर चुके थे और उनको उस रिट्रीट के बाद ये लगा था कि शायद उनको एक वेल राउंडेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम दिस सॉलिटरी ट्रेनिंग सॉलिटरी रिट्रीट जो उनको जो सिखाना चाहती थी उन्होंने काफ़ी सीखा है। तो इसी को देखते हुए शायद वो अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर चल के उबान की तरफ आए। एंड अजान सुमेधो लगभग 10 साल तक लुआंगपोर की गाइडेंस में रहे और वो एक तरह का न्यूक्लियस बने सारे वेस्टर्न डिसाइबल्स के लिए और उनको वेस्टर्न डिसाइबल्स को उन्होंने अपने साथ लिया और भगवान बुद्ध की टीचिंग में आगे बढ़े। और 1975 में उन्होंने वटपा नानाचार मॉनेस्ट्री बनाई जो कि फॉरनर्स के लिए मॉनेस्ट्री है जो भी थाईलैंड से बाहर से आके अजान चाह के ट्रेडिशन में मॉन्क बनना चाहते हैं। एंड उसके बाद 1977 में वो चित्रस्ट इंग्लैंड गए और चित्रस्ट मॉनेस्ट्री उन्होंने फाइंड करी और उसके बाद कई सारी और ब्रांच मॉनेस्ट्रीज भी बनी। एंड इसमें एक शायद किसी ने कभी अजान चाह से पूछा होगा कि किस तरीके से अजान सुमेधो या वेस्टर्न डिसाइपल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो शायद यहाँ पे अजान शाह ने हंसते हुए बताया कि शायद वो बचपन में उन्होंने शायद कोई एक वेस्टर्न कॉयबॉय वाली मूवी देखी थी जिसमें कि कोई एक लंबा चौड़ा इंसान है जो कि स्मोक करता है और काफ़ी टॉल है, तो उससे शायद बचपन में उनको फैसिनेट हुआ होगा कि इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ होती है कंपेयरिंग के अजान शाह की ऑलवेज हाइट थोड़ी छोटी है। तो वो शायद उनके मन में एक तरह का अट्रैक्शन हुआ, शायद उनके मन में उस समय बचपन में कभी डिज़ायर हुई कि वो शायद वेस्टर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसका शायद उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जब अजान सुमेधो आए तो वो वही उसी कॉयबॉय मूवी के एक एक्टर की तरह ही थे। एंड एक जो चीज़ और आती है कि अजान सुमेधो जब आए और उन्होंने मॉन्क बने तो उनको कुछ स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दिए गई, वो उसी तरह से मॉनेस्ट्री में फिट हुए जैसे कि बाकी थाई मॉन्क्स फिट होते थे जिस तरह के थाई मॉन्क्स ट्रेनिंग करते थे। और एक जो वटपा पोंग में अजान चाह की जो मॉनेस्ट्री का था कि वहाँ का शेड्यूल जो है वो काफ़ी फिक्स होता था और अजान सुमेधो को भी उसी शेड्यूल को ही फॉलो करना था और उसी शेड्यूल से ही उनको आगे बढ़ना था। और मॉनेस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी कम्युनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मिलके सारे मॉन्क्स पूजा करते हैं या मिलके खाते हैं या मिलके काम करते हैं, तो अजान सुमेधो को भी वो सारी सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उन्हीं सिचुएशन में उनको कंटेम्पलेट वो सिचुएशंस को उनको उन्होंने यूज़ करी अजान सुमेधो ने एक तरह से कंटेम्पलेट करने के लिए कि क्या हो रहा है। एंड जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ही हैड टू फॉलो द ट्रेडिशन दैट आई डिड नॉट ऑलवेज लाइक और अप्रूव और इन अ सिचुएशन वेयर आई हैड नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर, तो चाहे उनको वो शेड्यूल जो ट्रेडिशन मॉनेस्ट्री में फॉलो हो रहा था उसमें अजान सुमेधो को पसंद आया कि नहीं आया, बट अजान सुमेधो लाइक ऑल अदर मॉन्क्स इन द मॉनेस्ट्री ही हैड टू फुली फॉलो और वही उनको एक प्राइमरी लर्निंग का मेथड बना। एंड मे बी आई थिंक वी कैन टेक 10 मिनट्स मोर एंड कम्प्लीट दिस गुड सेक्शन अबाउट अजान सुमेधो। एंड इसमें अजान चाह के बारे में अजान सुमेधो क्या कहते हैं उसका रेफरेंस आता है, वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने अजान चाह को देखा तो वो एक तरह की फ्री स्पिरिट थे, एक मतलब एबुलियंट कैरेक्टर जो कि काफ़ी हंसमुख थे, एकदम शांत थे और
फ्री स्पिरिट होते हुए भी वो स्ट्रिक्ट थे विनय की तरफ, तो ये उनके लिए अब एक काफ़ी लर्निंग का मेथड बना कि किस तरीके से आप विनय के बंधन में बंध के भी आप एक फ्रीडम पा सकते हैं। तो वो एक अजान सुमेधु के लिए एक बड़ी लर्निंग रही, और जिस तरह से उन्होंने अजान चाकू देखा वो सब चीज़ों करते हुए, वो उनको काफ़ी मौका मिला रिफ्लेक्शन के लिए। एंड इसको वही बात आगे आ रही है कि स्ट्रिक्टनेस ऑफ वटपा मॉन्ग वॉज टू फील ओप्रेस्ड, बट येट माई फीलिंग्स अबाउट लुआंगपोर वॉज दैट ऑल दो हिज एक्शंस वर ऑलवेज विद इन द मार्जिन्स ऑफ विनय, बट ही वॉज फ्री बींग। एंड उस उन अजान चा को देखते हुए उनको लगा कि किस तरीके से वो भी विनय को देख के ओप्रेस ना हो, कि विनय के नियम्स को देख के ओप्रेस ना हो, कि बस उसको एज ए किस तरह से अपना फ्रीडम की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसी बात को आगे भी कहा गया कि रेस्ट्रिक्टिव एंड रेनुसिएंट कन्वेंशन एंड लिबरेट योर माइंड थ्रू दोज कन्वेंशंस। और अजान चार्ज होते वो अजान से बंदों के लिए एक वही जीता जाता एग्जाम्पल थे। एंड शुरू में जब अजान सुमेधु आए वो ऑलरेडी कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिटेशन करते होंगे, और जब उन्होंने लुआंगपोर से पूछा कि वो अपनी मेडिटेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि या कोई और मेथड है, तो अजान चाह ने भी जब उनकी पर्टिकुलर मेडिटेशन के बारे में सुना तो उनको वो परमिशन दी कि जिस तरह भी तरीके की मेडिटेशन कर रहे हैं उसको आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इसी बातों से अजान सुमेधु को कॉन्फिडेंस मिला, एक तरह की इनकट रिएक्शन हुआ कि यस ये मॉनेस्ट्री में उनको आगे सीखने का मौका मिलेगा, और इस में आगे वो यहाँ रह के सीखना चाहते हैं। और आगे जब रिफ्लेक्शंस की बात आती है तो ये अजान सुमेधु के बारे में आती है कि किस तरीके से उन्होंने मॉनेस्ट्री की सिचुएशंस को यूज़ करा एक तरह से रिफ्लेक्शन के लिए। मॉनेस्ट्री में जिस तरह के भी काम हो रहे हैं, जो भी काम उनको करने के लिए किए जा रहे हैं, तो उनका क्या ओपिनियन बन रहा है, उनका क्या व्यूज़ बन रहा है, उनके क्या प्रेजुडिसेस दिमाग में आ रहे हैं, किस तरह की अटैचमेंट्स आ रही हैं, एक एक करके जब अजान सुमेधु के सामने वो चीज़ें आई और उन्होंने उन रिफ्लेक्शंस को उनको रिफ्लेक्ट करा अपने माइंड के अंदर चीज़ों को, वो अपने आप में उनके लिए एक लर्निंग का मेथड बना। इसी लाइंस में कहा गया है कि लुकिंग एट माई सेल्फ ऑनेस्टली एंड क्लियरली रैदर देन जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स एंड फोर्स माई माइंड इनटू मोर रिफाइंड स्टेट्स। वही अपने आप को एक तरह से रिफ्लेक्शन में देखने का ऑनेस्टली और क्लियरली उसका जो फोकस यहाँ पे है। और एक तरह से यहाँ पे अगला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आ रहा है जो अजान सुमेधु को फेस करनी पड़ी, लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी, कल्चर की डिफ़िकल्टी, क्लाइमेट की, खाने की डिफ़िकल्टी। विनय काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए विनय का रूल है, तो कई बार आपको लगेगा कि आप इतने छोटे छोटे चीज़ों के रूल भी क्यों बने हुए हैं। तो शुरू शुरू में उनको इन सब चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ा। और यहाँ पे एक बहुत फेमस एग्जांपल भी आता है कि विनय में लिखा हुआ है कि जब भी टीचर आपका शायद बाहर से आता है, तो मॉनेस्ट्री के बाहर से आता है, आम ग्राउंड से आता है, और अगर टीचर्स के पाँव गंदे होते हैं तो मॉन्क शुड वॉश द लेग्स ऑफ द टीचर। तो जब वो देखता था कि जब भी अजान चा आर्म्स राउंड से आने वाले होते थे, ऑलरेडी मॉन्क्स की लाइन लगी होती थी पानी लेके, कि जैसे ही अजान चा आए तो उनके पांव वो धोएं। तो उनको ये बात शुरू शुरू में बहुत अटपटी लगी कि ऐसा क्या है कि ये मॉन्क्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और जैसे ही अजान चा आते हैं सब लोग दौड़े दौड़े जाते हैं और उन अजान चा के पाँव धोना चाहते हैं। और इसमें अब अगर उनका रिफ्लेक्शन का एंगल देखेंगे, जब उन्होंने अपने इस थॉट को रिफ्लेक्ट करा तो उन्होंने देखा कि जो भी मैं ये सोच रहा हूँ ये अपने एक क्रिटिकल एंगल से सोच रहा हूँ कि ये चीज़ सही है कि गलत है, बट
असल में इट वॉज जस्ट अ वेरी एक सिंपल सी चीज़ थी कि आपके मॉनेस्ट्री के एबॉट आए हैं और आप उनके पांव धो रहे हैं और एक तरह की रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने अंदर ये रिफ्लेक्शन को करा तो उनके अंदर वो रेजिस्टेंस भी चला गया और शुरू में शायद अगर 20 मॉन्क खड़े होते थे तो बाद में 21 हो गए, वो खुद भी उस लाइन में खड़े हो गए कि जब वो मॉन्क अजांचा आएंगे तो उनके पांव धोएंगे। तो किस तरह से ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस की बात कही गई है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, इज इट एनीथिंग टू गेट अपसेट अबाउट दैट हैवंट मेड मी डू इट, इट्स ऑल राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद 20 men washing one man's feet, ये जो बात हम कर रहे थे, एंड वहीं से उन्होंने बोला कि परहैप्स आई शुड डू इट। और थोड़ा सा यहाँ पे वर्डली धम्मस का रिफ्लेक्शन आता है कि क्योंकि शुरू में जब अजान साहब थाईलैंड में मॉन्क बने थे तो क्योंकि वो शायद आसपास इकलौते वेस्टर्न मॉन्क होते तो कई बार वो एक तरह का प्रिविलेज ले लेते थे कि शायद वो बोल देते थे कि मुझे मेडिटेशन करनी है और वो मॉनेस्ट्री के बाकी रिचुअल्स में कुछ काम शायद नहीं करते होंगे, अपनी खाली मेडिटेशन पे फोकस करते होंगे। बट जब वो अजान चाह की मॉनेस्ट्री में आए और उन्होंने वही सब काम किया तो एक तो लोकल वहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए लोकल लोगों के लिए ये एक काफ़ी अलग दृश्य था कि एक वेस्टर्न से आया हुआ मॉन्क जो है वो इस तरह के सेम रूल्स को फॉलो कर रहा है, सेम तरह के कठिन जीवन से फॉरेस्ट मॉनेस्ट्री में रह रहा है जैसे कि भाई बाकी लोग रह रहे हैं। एंड तो शुरू में वो काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहे एंड और इसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ और भी हुई कि उनका जिस तरह से शुरू में एक बिहेव करने का तरीका था वो वेस्टर्न लोगों का कई बार अलग होता है, थाई लोगों का अलग होता है, तो उसमें जब लोकल लोगों ने कई बार खामियां निकाली कि जैसे लोकल लोग उनसे पूछे थे कि आप कितने साल के हो, अगर उन्होंने बोला 33 ईयर्स का तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप तो 60 साल के लगते हो, आप अजान में तो आप तो ठीक तरह से आपको चलना भी नहीं आता, आपने अपने कंधे से जो बैग उठा के रखा है आपने ठीक तरह से नहीं रखा बैग को, आपको ध्यान से उतार के उसको बैग को आराम से तय करके रखना चाहिए था, आप किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। तो ये क्योंकि ट्रेडिशन का काफ़ी डिफरेंस था बिटवीन वेस्टर्न कल्चर जिससे वो आए थे और लोकल ट्रेडिशन, तो इन सब ट्रेडिशंस के थ्रू उनको गुजरना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के थ्रू उनको गुजरना पड़ा और धीरे धीरे वो ही जैसे इस सेक्शन का एंड हो रहा है कि आई एक्चुअली लर्न्ड हाउ टू कन्फर्म टू ए ट्रेडिशन एंड ए डिसिप्लिन and took number of years really because there was always a strong resistance but I began to understand the wisdom of the vinaya and over the years my equanimity grew ke dheere dheere unhone us tradition ko pura apnaya aur vinaya ko apnaya aur jisse unka wisdom aur equanimity mein badhotri hui to isi ke sath ye section khatam hota hai next time hum ye pushed karke jo section hai usse hum aage badhenge दीपक जी ये जो एग्जाम्पल है ये सब कुछ हम सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर और जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले वो प्रश्न हम इनवाइट करते हैं और हमारे पास वो रानी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके सर एम आई ऑडिबल नाउ शुड आई हां अब ठीक ओके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले हम वो क्वेश्चंस लेते हैं जो पहले आए होते हैं हमारे पास, तो इस श्रृंखला में आज का सबसे पहला प्रश्न है वो सेंसेशंस के बारे में है कि प्रश्नकर्ता ये पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत हैवी सेंसेशंस सॉलिड स्थूल सेंसेशंस अपनी बॉडी में होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो बदल नहीं रही हैं और मैं उनको ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करता रहता हूँ और इस उम्मीद में
कि उनका निरोध जल्दी हो जाएगा और फिर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है हर बार. मैं समझता हूँ कि खंती बहुत जरूरी है लेकिन बहुत सारी इम्पेशेंस को से मैं कैसे डील करूँ इन सीमिंगली क्रॉनिक सेंसेशंस को डील करते हुए. और क्या हो सकता है कि इज इट लोड्स ऑफ अवर्जन दैट आई एम एबल टू अनएबल टू डील विथ डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स एंड प्लीज हेल्प मी टू हैंग ऑन. थैंक यू सर. ये काफ़ी सामान्य जनरली इस तरह की दिक्कत आती है व्हेन वी हैव एक्सपेक्टेशन कि इस तरह से होना चाहिए. साधना ऐसी होती है कि वेदना जागी है तो समाप्त हो जाएगी तो हम वेट करते हैं कब तक समाप्त ना हो जाए. तो वो अनंत काल भी लग सकता है उसको समाप्त होने, है ना. तो उतनी पेशेंस है क्या हमारे में? नहीं है ना. तो जो खांति आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. खांति को बढ़ाने का अर्थ ही होता है कि खांति का अर्थ होता है वो इम्पेशेंस का एंटीडोट. तो हम और ये कोई आवश्यक नहीं कि आप हर बार इतना वेट करें जब तक कि जो फीलिंग हो रही है जो सेंसेशन हो रही है वो समाप्त हो जाए मैं तभी आगे बढ़ूंगा. ऐसा जरूरी नहीं है. अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यू कैन वेट फॉर सम टाइम और उसके समाप्त होने की जगह उसमें बदलाव को देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा. ये जो भाव आ गया है कि वेदना जागी है और वेदना खत्म हो जाएगी या सेंसेशन और वेदना को पहले तो फर्क नहीं कर पाते हैं तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो सेंसेशन है वो बॉडीली फिनोमेना है और वेदना जो है वो मेंटल फिनोमेना है कि हमें कैसा लग रहा है. तो जो आप कह रहे हैं सॉलिडिटी है तो सॉलिडिटी एक बॉडीली सेंसेशन है. वो आपको प्रिय लग रही है या अप्रिय लग रही है वो वेदना है. तो आप अगर उसकी ओर फोकस करें कि मुझे ये प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है उसका इफेक्टिव टोन क्या है तो अवश्य उसमें बदलाव मालूम पड़ जाता है. उसमें कोई बहुत देर नहीं लगती है. अब आप सॉलिडिटी को वेट कर रहे हैं कि वो खत्म कब होगी तो इट मे टेक इट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स वेयर योर अटेंशन इज फोकस्ड. वहाँ पे बॉडी का स्टेट क्या है माइंड का स्टेट क्या है और खासतौर पर जब एक्सपेक्टेशन है तो माइंड अनबैलेंस्ड है. तो जब माइंड अनबैलेंस्ड है तो वो गो इन नॉट इन एनी प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन. आपके अनबैलेंस के कारण द्वेष बढ़ रहा है और द्वेष बढ़ रहा है तो सॉलिडिटी पेनफुल फीलिंग्स बढ़ती ही जाएंगी. तो इसकी मुख्य बात ये दो बातें इसमें. एक तो ये कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको छोड़ना होगा क्योंकि तो साधना इसीलिए है. भगवान की वाणी है यम अपनी इच्छा मन लगते तो अभी दुख हम आप ये इच्छा कर रहे हैं और नहीं मिल रहा तो आप दुख हो रहा है और उसके प्रति भी प्रतिक्रिया हो रही है. तो जो चित्त शुद्धि का काम था वो नहीं हो रहा है. चित्त अशुद्ध हो रहा है ये सोच सोच के कि ये जो बॉडी सेंसेशन है सॉलिडिटी फ्लूडिटी में क्यों नहीं हो रही सॉलिडिटी खत्म क्यों नहीं हो रही. तो वो बॉडीली सेंसेशन को चेंज करने का हमारा उद्देश्य नहीं. हमारा उद्देश्य उसे सीखना है. सीखना ये है कि परिस्थिति जो भी हो हम मन में बेचैन नहीं होंगे. जो भी एक्सपीरियंस हो हम उसको समता से देखेंगे. जो सती का भाग है सती का मतलब ये साधना का उद्देश्य यही है कि जो भी परिस्थिति जो भी अनुभव हो रहा है हमारे को उसके प्रति हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे. सती का उद्देश्य कहा जाता है नॉन जजमेंटल नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस. कोई उसको जज नहीं कर रहे और ना ही उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं. अगर हम उसको जज करने लगेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो हमारी साधना ठीक नहीं होगी. और एक तो ये बात. दूसरी हमको बॉडीली सेंसेशन पर महत्व ना देके उसकी जो फीलिंग है उसको देखना चाहिए कि वो प्रिय है या अप्रिय है. और जो अप्रिय फीलिंग हो रही है जो अनप्लेजेंट लग रहा है उस अनप्लेजेंटनेस में या तो बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी वो आपको मालूम पड़ जाएगा विद इन रीजनेबल टाइम. आप वैसे करके देखिए तो शायद और बात क्लियर हो जाएगी. थैंक यू सर. जो अगला क्वेश्चन है एक्चुअली एक ही टॉपिक पर तीन प्रश्न है मैं उनको एक साथ में ले लेती हूँ. दैट इज अबाउट द स्पाउस जो घर में अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं. तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया क्योंकि हर वक्त मेड्स होती थी और आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एंड लेफ्ट माई जॉब लास्ट ईयर फॉर चिल्ड्रन.
अब लॉकडाउन के समय में कोई मेड्स नहीं है और मुझे घर का सारा काम करना है, और मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं कि जो भी मैं करती हूँ वो उससे बेटर और फास्टर और एफिशिएंटली कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उनके ऑफिस काम में वैल्यू है और मेरे जो भी मैं करती हूँ उसमें वैल्यू नहीं है। वो कंपेयर करते हैं मुझे लोगों से और सिचुएशन से, और उनको मैं कोई फीडबैक देती हूँ उनकी आदतों पर तो वो नहीं लेते और वो फाइट हो जाती है, और वो हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे बेटर है, विच ही इज़ नॉट क्लियरली, एंड आई कैन नॉट टॉलरेट हिज फेस नाउ। आई वॉज इनिशिएटेड टू स्पिरिचुअलिटी 3 years अगो ओनली बिकॉज ऑफ माई एंगर फॉर हिम ऑन दिस टॉपिक। वॉट शुड आई डू? एवरी डे इज अ बर्डन डे फॉर मी, एंड आई वॉन्ट टू लिव टिल द एज ऑफ 80 फॉर द सेक ऑफ माई किड्स, एंड मैं क्या करूं? एक ये प्रश्न है, और एक दूसरा प्रश्न है अबाउट स्पाउस ओनली, कि स्पाउस के साथ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई होती है, जिसके जिसके बाद बहुत इरिटेशन होती है, और एक जो प्यार और सौहार्द होता है उसमें कमी हो जाती है, और बहुत एक ही दिन में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो हम किस तरह से प्यार की तरफ वापस जाएं, और क्या ये पॉसिबल भी है कि घर में कॉर्डियल रिलेशनशिप्स रहें क्या, कि और क्या हर वक्त कोई ना कोई इरिटेशन रहेगी? और एक जो तीसरा प्रश्न है वो भी मैं अभी पढ़ देती हूँ, वो ये है कि जब आप अपने स्पाउस के साथ रहते हैं और वो बहुत बुरा बिहेव करते हैं और कुछ गलत काम करते हैं, तो इज इट प्रैक्टिकल और इवन पॉसिबल टू स्टे पीसफुल एंड हैप्पी विथ नो रिएक्शन? हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम द हर्ट दैट दे गिव अस एंड बी हैप्पी अगेन? हाउ टू कीप मूविंग ऑन फ्रॉम हर्ट एंड बी हैप्पी एवरी डे? तो ये तीन प्रश्न हैं, लेकिन एक्चुअली ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं। वेल ऑफ कोर्स ये जो अननजीक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन लॉकडाउन से हुई है उसके कारण परेशानियां तो सारे विश्व में ही बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ शायद अभी उस हद तक नहीं पहुंचा है। जैसे मैं एक टॉक सुन रहा था जहाँ नंबरों की, तो बता रहे थे कि पिछले लॉकडाउन में रेट ऑफ डिवोर्स इज इंक्रीज फिनोमिनली बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू, जो आदत नहीं थी साथ रहने की, इतने कंटिन्यूसली 24/7 साथ रहने से जो एक दूसरे की नेगेटिविटी है वो इम्पिंज करती है और परेशानी हो रही है। तो इट्स ए टेस्टिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर ए गुड मेडिटेटर तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है हमारे को। बट दिक्कत यही है कि अगर हम उसको भी एक मेडिटेशन के रूप में, अगर हम मेडिटेटर हैं तब तो बहुत अच्छी उसका लाभ उठाया जा सकता है उस परिस्थिति में। अब ये परेशानी क्यों हो रही है इसको अगर गहराई से समझना है तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट दी बेसिक्स प्रॉब्लम ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन फैमिली मेंबर्स, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। वंस द अर्ली इयर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड इज ओवर देन यू कम टू फेस विद द रियलिटी देन यू हैव यू कैन सी ओनली द नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मुख्य कारण जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है इट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। जो हमारी संज्ञा है वो फर्क है, मेरी और मेरी पत्नी का सोचने का तरीका अलग अलग है, वो होगा ही बिकॉज यू आर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट, यू कम फ्रॉम टू डिफरेंट फैमिलीज, और उनका वहाँ का हर एक की फैमिली का अपना अपना तौर तरीका रहा है। तो उस तौर तरीके से हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। मेरी ऐसी कंडीशनिंग है कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पत्नी की ऐसी कंडीशनिंग है कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, और वो कंडीशनिंग मैच नहीं करती। मेरे घर पे पिताजी पत्नी के माताजी के साथ कैसा व्यवहार करते थे उस आदर उस व्यवहार बेसिस पे मेरी कुछ कंडीशनिंग हो जाएगी, और पत्नी की कंडीशनिंग होगी जैसी वो अपने घर में देखती थी उसके हिसाब से कंडीशनिंग हो जाती है कि ये ठीक है ये गलत है ये ठीक है ये गलत है। और फिर जब वो and unknown people boys and girls join you, this is what I have been discussing in our IIT for number of years in terms of our workshop jaise wahan conduct karte the ki jab
मैरिज होती है then the boy and the girl have different perceptions of what the spouse should be. And if they are not wise, if they don't have understanding of Dhamma, there will be conflict. Because the boy expects wife should be like this, but the wife has some other idea of what a wife should be. How will it sort out? It cannot be sorted out just on the worldly level of negotiation and all that. It has to be, one has to have an understanding कि भाई जो मेरी जिसको मैं ठीक मान रहा हूँ वो मेरी कंडीशन है. सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो मुझे ठीक लगता है मैं समझता हूँ ये तो ठीक है ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा. और जो बेसिक एक धम्मा टीचिंग है दैट द परसेप्शंस ऑल परसेप्शंस आर लाइक ए मिराज, दिस व्हाट बुद्धा टीचेस इन द फेमस फेन ऑफ इंडस. जो आपका परसेप्शन है वो बहुत लिमिटेड विजन के कारण बनाया, तो वो इट कैन नॉट बी द एब्सोल्युटली ट्रू परसेप्शन. देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्युटली ट्रू परसेप्शन. इट्स ऑल कंडीशनिंग विच ऑपरेट्स, और उस कंडीशनिंग के आधार पे हम अपने अपना कहते हैं ये ठीक है, वो पत्नी कहती है दूसरे मैं ठीक हूँ, भाई कहता है मैं ठीक हूँ, और हम एक दूसरे की पोजिशन को देखने को तैयार नहीं है. तो इसके लिए इतनी समझ होनी चाहिए कि हम समझें कि जो संज्ञा है, जो हमारा रिकॉग्निशन का तरीका है जिससे हम ठीक अच्छे और बुरे की पहचान करते हैं, वो कॉन्स्ट्रेंड है, इट इज कंडीशनड. अदर देन बेसिक प्रीसेप्ट्स, फाइव प्रीसेप्ट्स विच यू कैन से इन सम सेंस आर यूनिवर्सल, बाकी सब चीज़ें कंडीशन है. किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का कपड़े पहनने हैं, किस तरह से घर में रहना है, किस तरह के कपड़े सफाई करनी चाहिए, कितनी कौन सी दुकान से सामान खरीदना है, कौन सी दुकान से नहीं खरीदना, ऑल दीज आर कंडीशन फैक्टर्स. अगर हम उसी को दिस इज राइट एंड दिस इज व्हाट इट शुड बी डन, तो देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि डिपेंडिंग ऑन हाउ वी लुक एट इट वी विल सी डिफरेंटली. सेम थिंग टू डिफरेंट पीपल विल सी डिफरेंटली depending on what is their perception, depending on how they view the things. किसी को एक dress पहनने वाला आदमी लगता है बहुत समझदार है, ये तो बहुत धार्मिक है. दूसरे को वही dress पहनने वाला आदमी लगेगा ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो terrorist है. So what do you do? These perceptions are all impermanent, they are all incomplete, they are all based on conditioning. तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारे harmony लाना बड़ा मुश्किल. तो जब हम ये समझने लगते हैं कि हाँ मेरा परसेप्शन भी लिमिटेड है और मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ का भी परसेप्शन अपनी कंडीशन से बना हुआ है, उनकी अपनी कंडीशन, उनकी अपना वर्क प्लेस कैसा है, मेरा वर्क प्लेस कैसा है, मेरा वर्क का कल्चर कैसा है, उनके वर्क का कल्चर कैसा है, ड्रामेटिक चेंज इन द परसेप्शन. माई वाइफ इज सिटिंग हियर, आई कैन कोट एग्जाम्पल दैट माई परसेप्शन, माई हैबिट हैज बीन टू स्पीक सॉफ्टली and her habit has been to speak strongly, and we have had so much contention on this. But when we sat down and recognized, and I especially had to recognize that my perception is based on my past and my maybe carried over sankharas, and also the fact that I was working in a profession, in a teaching profession where I'm teaching grown-up students in IIT. She was teaching in a school. The students are pretty abrasive and very ebullient characters. तो उनको जोर से ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे. तो अगर कोई 24 घंटे में अपने जो वर्किंग आवर्स के 7-8 घंटे उसमें कंटिन्यूसली he or she has to handle such situations. Or a person is working in a, for example, an engineer है वो shop floor पे काम करता है और दूसरा engineer है वो software में काम करता है. जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा उनके बिहेवियर में, क्योंकि शॉप फ्लोर पे जो है इतना शोर शराबा है, आपको चीखना चिल्लाना पड़ेगा वर्कर्स के ऊपर. और एक कंप्यूटर रूम में आप शांति से बैठे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें कोई चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है. तो ये कंडीशनिंग है कि उस तरह के एनवायरमेंट में रहने वाले की कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी. इस तरह के रहने अगर मुझे ये समझ में आ जाए देन आई अंडरस्टैंड ओके शी इज टॉकिंग सो हार्शली बिकॉज और strongly and loud voice because that's the way she has been conditioned, and I am talking in a particular way because that's the way I'm conditioned.
It doesn't mean disrespect. It doesn't mean ignoring. I am not ignoring anybody and she's not disrespecting. So that's the way we have to understand things each other. There will be so many things. You know? And we have to understand ki bhai, whether jo bhi hamara perception is right, ka, leaving aside the moral precepts, do we want to be always say that this is right or that is wrong? Aisa nahi hai. इसी तरह के कपड़े पहनना ठीक है, इसी तरह का भोजन करना ठीक है, इसी तरह का व्यवहार करना ठीक है, इसी तरह से बात करना ठीक है, इस आदमी से ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए, उस आदमी से वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, तुम इस आदमी से वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इफ यू गेट इनटू ऑल दैट देन इट मींस वी आर सो स्ट्रांगली अटैच्ड टू आवर परसेप्शन दैट देयर इज नो सॉल्यूशन देन प्रॉब्लम सो वी हैव टू हैव कैपेबिलिटी ऑफ एम्पैथाइजिंग विद अदर्स परसेप्शन समझना कि दूसरे का परसेप्शन किस कारण से ऐसा है मेरा परसेप्शन किस कारण से ऐसा है और फिर उसमें मिडिल ग्राउंड लगाया जाए वी हैव टू बोथ टॉक टू ईच अदर एंड फिगर आउट ओके यू थिंक दिस इज राइट बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई थिंक दिस इज राइट बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड देन इफ बोथ आर वाइज वी कैन कम टुगेदर टू अंडरस्टैंडिंग नाउ देयर इज अनदर इशू व्हिच फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने कहा था रिगार्डिंग दी नॉट गिविंग एनफ इम्पोर्टेंस टू होमवर्क एंड टू वर्किंग इन द होम डूइंग cleaning and all those things. I mean, that is a part of probably, especially in India, Indian patriarchal society jo rahi hai, jo patriarchal society mein hi bahav raha hai, hamesha pichli generations mein bahut zyada raha. The man is supposed to do particular kind of things, woman is supposed to do these kind of things. There's nothing right about it. It's just a convention. If a man washes the dishes, there's nothing wrong in it. If a man works in the kitchen, there's nothing wrong in it. It's perfectly fine. But somehow tradition has become this and we get so caught in the tradition, so problem ho jati hai. So agar dialogue ki sambhavna ho, aur hum dialogue karein aur aap usme samjhe ek baat ko, so then only you can bring, you know, some semblance of a harmony. Especially in this time when difficulties are becoming. Many young girls these days who have been married in the last 5-10 years, they are not used to doing home, working in the home. They're all professionals working there and ghar pe jab thi tab bhi maid thi yahan shaadi ke baad bhi maid thi ab paristhiti aisi aa gayi ki maids available nahi hai ya hum rakhna nahi chahte because of the fear of spreading catching infection then we have additional work then we have additional work of online buying additional work of sterilizing the things which come so you have to appreciate that these additional works have to be shared so husband and wife have to sit together and decide that this has to be done additionally. I cannot say that I'll not do anything. I'll do my work on my computer and not do anything. Then there will be a real problem. Then it has to be sorted out by mutual consent. And ultimately, if nothing works, तो फिर हमारे एक senior teacher होते थे, वो कहा करते थे भाई, harmony का मतलब है कि एक नए को हार माननी पड़े. अगर हारमोनी बनानी है तो दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट अगर समझदार नहीं है दोनों में से एक भी स्पाउस समझदार नहीं है तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही इट विल इंक्रीज एक समझदार है दूसरा समझदार नहीं है तो जो समझदार है वो उसको अपनी साधना बनाए एक्सेप्ट कर ले अनलेस ऑफकोर्स देर इज ए इशू ऑफ फिजिकल वायलेंस इट शुड नेवर बी एक्सेप्टेड और ब्रेकिंग ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट्स Somebody is breaking precepts and asking you to accept it and asking you to follow. Surely, I would never say that should be done. So, there is obviously a limit to which situations can be handled. But ek sachcha sadhak hoga, to is tarah ki difficulty ko one can convert it into an opportunity for practice. It's more difficult. It's not easy. It's a very difficult thing, but it's a great opportunity for practice. So, koi I appreciate nahi kar raha mujhe. मैं काम कर रहा हूँ और कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो वी सी दैट आई हैव एन एक्सपेक्टेशन एंड वी रिमेम्बर बुद्धास वर्ड्स यम अपि इच्छा मना लभती तम अपि दुःखम ये मेरी इच्छा है कि मेरे काम को लोग अप्रिशिएट करें वो नहीं कर रहे हैं और इस कारण से मुझे दुख हो रहा है वी नो दैट एंड अंडरस्टैंड इट एंड दिस इज द फर्स्ट नोबल ट्रूथ एंड वट इज दिस कॉज ऑफ इट एक्सपेक्टेशन इज द कॉज वट इज दिस फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग गिव अप एक्सपेक्टेशन So when we teach ourselves in this manner, slowly and slowly, with passage of time, we can use this difficult situation
for our spiritual benefits, spiritual advancement, start giving up expectation, start giving up the feeling that people really understand me. They may or may not. They understand fine if they don't. And then you say, oh, well, fear arises, anger arises, obviously he is to blame. Then you must see, why am I placed in a situation like that? If I didn't deserve it, I wouldn't be placed in that situation. So that needs a much bigger heart to accept the principle of karma. जो भी परिस्थिति आती है वो मेरे कर्मों के कारण आ रही है. बहुत मुश्किल होता है, सामान्यता लोग समझते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ विशी वैशी थिंग जस्टिफाई करने, ऐसा नहीं है. इट इज अ हार्ड फैक्ट कि जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ रही है वो मेरे कर्मों का फल है. इसीलिए हम जो साधना करते हैं, इक्वैनिमिटी का, उपेक्षा का, ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं, इसी आधार पर करते हैं ताकि हमारी जो जिसके कारण अपेरेंट कारण है जो हमारा दुख का, हमारे को परेशान करने का, ये अंडरस्टैंड कि ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं आती अगर मेरे कर्म ऐसे नहीं होते. सो लेट मी नॉट इंक्रीज माई सफरिंग बाई रिएक्टिंग इन ए अनहेल्दी मैनर. लेट मी एब्जॉर्व इट. जो खांति पारवी की बात आती है उसका उत्तर यही है कि अनप्लेजेंट सिचुएशन में हम पेशेंस रखें. इट इज सर्टनली डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट एक अच्छे साधक को, एक अच्छी साधिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू इंक्रीज योर प्रैक्टिस. दिस इज द रियल प्रैक्टिस एक्चुअली. मॉर्निंग सिटिंग, इवनिंग सिटिंग इज ऑनली हेल्प टू डू दिस प्रैक्टिस. तो अगर हम ये प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बहुत रैपिडली आवर प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ धर्म डिग्री. दिस इज फॉर श्योर. आई कैन वॉच फॉर इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल. दोज हू हैव बीन एबल टू डू दिस, इट्स अ ट्रेमेंडस relief, a tremendous benefit in our understanding of Dhamma, or hamari samajh mein, hamari pragya ke jaagne mein, hamari parmiyon ke jaagne mein, anginat tarike se hamari madad karta. Thank you, sir. The next question is ki sankhar ka matlab kya hai aur kya iske ek se adhik meanings hain? जी, संखार शब्द जो है वो बड़ा वाइड कॉन्नोटेशन का है. अगर आप डिक्शनरी देखें, पाली टेक्स्ट डिक्शनरी पर जाते, दो पेज उसमें एक्सप्लेन करने लगे हुए हैं, उसके दो एक या डेढ़ दो पेज लगे हुए हैं कि संखार के कितने मतलब अलग. तो लेट मी गिव सम प्रोमिनेंट मीनिंग्स. एक संखार शब्द हम जो सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रतिक्रिया के रूप में, कि जब भी हमारा संसार से इंटरेक्शन होता है तो हम प्रतिक्रिया करते हैं, या तो राग की प्रतिक्रिया, या द्वेष की प्रतिक्रिया, या इंडिफरेंस, या कभी इक्वैनिमिटी भी रखते हैं, या कभी मैत्री की प्रतिक्रिया करते हैं. तो जो प्रतिक्रिया की जा रही है वो एक संस्कार है. मतलब जो फिनोमेना हो रहे हैं संसार में, जो हमारे इंद्रियों पर फिनोमेना होते हैं, कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कॉग्निशन. हम कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम सुन रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, तो श्रोत विज्ञान जागा, सुनने की बात, सुनने की क्षमता जागी, उसके साथ साथ वेदना जागेगी. सुन ये प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा, जो जो वाणी आई वो अप्रिय या अप्रिय लगेगी, और वो संज्ञा के साथ लोट पोट रहती है. संज्ञा वेदना को अफेक्ट करती है, वेदना संज्ञा को अफेक्ट करती है, और जो प्रिय लगी या अप्रिय लगी, अब उसके ऊपर ही हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा. अगर अविद्या है हमारे साथ, होश नहीं है, सजगता नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो प्रिय लगी तो उसको बड़ा खुश हो जाएंगे, राग की प्रतिक्रिया करेंगे, अप्रिय लगी तो द्वेष की प्रतिक्रिया. तो कहते हैं संस्कार बना दिया हमने, हमने राग का संस्कार बना दिया, हमने द्वेष का संस्कार. तो मेडिटेशन डोमेन में दिस इज द प्रोमिनेंट मीनिंग ऑफ संस्कार. संखार पाली में कहते हैं, हिंदी में संस्कार कहते हैं, कि ये उसका प्रोमिनेंट मीनिंग है कि हम जो प्रतिक्रिया करते हैं इंद्रियों पे, जो भी इम्पैक्ट होता है उसके प्रति. दूसरा उसका जो सेकंड वाइडर स्कोप में मीनिंग ये है कि जो भी कंडीशनड चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, जैसे हमारी प्रतिक्रिया कंडीशंस पे डिपेंड करती है, तो उस सेंस में भी संस्कार है और संखार मिलता है. तो जो जो कंडीशंस के कारण चीज़ें होती हैं, और सारी विश्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंडीशन ना हो अदर देन द अनकंडीशन द निर्वाण. तो इसलिए सारे विश्व की हर चीज उस सेंस में संस्कार ही है.
उस सेंस में शरीर भी एक तरह का संस्कार ही है, क्योंकि वो कंडीशन से बनता है, कंडीशन के कारण पैदा हुआ है, कंडीशन के द्वारा ही सपोर्ट हो रहा है। तो वो एक ब्रॉड मीनिंग, जैसे खासतौर पर यहाँ सुमेधो जो है उस सेंस में भी उसको मीनिंग देते हैं कि एवरीथिंग इज संखार बिकॉज इट इज ऑल कंडीशन अदर देन निब्बाना, एवरीथिंग इज संखार। तीसरा मीनिंग जो है वो अभिधम्म में लिया जाता है, तो उसमें जो है संखार शब्द का अर्थ है जो भी हमारे मेंटल फैक्टर्स हैं। तो जैसे सूत्र में एक्सप्लेन किया जाता है वेदना संज्ञा संखार, वहाँ पे बात होती है चित्त चेतसिका रूप चित्त चेतसिका निर्माण। तो चित्त तो हो गया विज्ञान से रिलेटेड और चेतसिक हो गए बाकी सब चीज। तो उसमें वेदना संज्ञा और जो सूत्र के संखार हैं वो सारे मिलके उसको संखार कहते हैं। संखार मतलब मेंटल फैक्टर्स जो मन में उपजते हैं। तो जो कुछ भी मन में उपजता है उसको संखार कहते हैं। कभी जैसे मन में वेदना भी जाती है, संज्ञा भी मन का ही पार्ट है, गुस्सा भी मन का पार्ट है, मैत्री भी मन का पार्ट है, लोभ भी मन का पार्ट है, जेनरोसिटी भी मन का पार्ट है, मोह भी मन का पार्ट है, प्रज्ञा भी मन का पार्ट है। तो जो भी मन के अंदर जाग रहा है उसको संस्कार संखार कह सकते हैं। बट इन सुत्ता के हिसाब से वेदना और संज्ञा को अलग कहा और तो बाकी सब बचे संस्कार। तो अभिधम्मा में 52 चेतसिक कहे जाते हैं। अगर सुत्ता का हिसाब से देखें तो विज्ञान और संज्ञा और वेदना को हटा दें तो बाकी 50 मेंटल फैक्टर्स हैं वो सब संस्कार में। इस तरह से 3 प्रोमिनेंट एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ज़्यादा में जाएंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। सर अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉट मी एंड नॉट माय सेल्फ। ये जो नॉट माय सेल्फ है वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। भगवान ने जो कहा न एतत् मम न एषोऽहम् अस्मि न मेषो अत्ताति, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। अत्ता से अत्ता का वहाँ पे मतलब एक्चुअली आत्मा से। तो वो शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि भगवान के टाइम पे जो प्रिवेलेंट फिलोसफीज थी, क्योंकि फिलोसफीज तो भारत में भगवान से पहले भी थी, 5000 साल से चल रही हैं। तो उस समय आत्मा का भाव रहता है कि आत्मा है जो अविनाशी तत्व है जो हम सब के अंदर है। और उसके अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन है, कोई कहता है जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, कोई कहता है एक है, वो उसमें नहीं जाते। बेसिकली कि हमें एक ऐसा अजर अमर तत्व है जो हमारा एसेंस है। शरीर तो नश्वर है, तो सब हमारी सारी फिलोसफीज में भारत की जो पुरानी पुरातन सनातन परंपरा है उसमें सब मानते हैं कि शरीर तो नश्वर है, मन भी बदलता रहता है, लेकिन एक चीज है जिसे आत्मा कहते हैं जो नश्वर नहीं है, जो नित्य है, सच्चित आनंद जिसका उसका भाव कहा जाता है। तो उसका स्वरूप क्या है, वो सत है, चित है, आनंद है। तो उसमें सत मतलब एवर एग्जिस्टिंग है, सत्य है जो बाय इटसेल्फ, चित है मतलब उसमें नोइंग की कैपेबिलिटी है, नोइंग की एबिलिटी है, और आनंद है उसका नेचर, आनंद का नेचर। तो जो आत्मा है वो उस सेंस में कहा जाता है कि इसीलिए भगवान अब अनंतर लखन सुत्ता वगैरह में आप पढ़ेंगे तो हमेशा उसको कहते हैं कि ये आपके दुख देता है तो ये आपका आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का मतलब तो है वो हमको दुख नहीं दे सकती, वो तो हमारा आनंद देती है। उस सेंस में कहा गया है। तो ये शब्द सेल्फ लिया गया ना, वो उसका एक अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन है जिससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हिंदी में फॉर्चुनेटली हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरी आत्मा है। तो ये कहते हैं कि उनमें फर्क, आत्मा मतलब सार है जो नश्वर नहीं है, हमेशा रहेगी, जिसका जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है जानने की और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है अनंत आनंद की। जी सर अगला प्रश्न है कि मैं पिछले 3 दशकों से विपश्यना की साधना कर रहा हूँ, लेकिन
अब भी मुझ में निर्वाण प्राप्त करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है और मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरा समय अभी नहीं आया और या ये मेरा पोटेंशियल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देखिए वो आई डोंट नो इसके दो तात्पर्य हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो, इट हैज टू बी अंडरस्टूड कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अभी मुझे संसार बहुत प्रिय लगता है और मैं चाहता हूँ कि संसार में और कई सारे जन्म आते रहें। यू कैन एंजॉय आफ्टर लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, आई एम एंजॉयिंग, आई एम हैविंग अ वेरी गुड टाइम, तो भविष्य में भी, और मैंने अच्छे काम किए हैं, साधना कर रहा हूँ 30 साल से, तो अगला जन्म भी अच्छा ही होगा, तो विल एंजॉय अगेन, एक ये एटीट्यूड हो सकता है। दूसरा ये है कि निर्वाण अच्छी बात है लेकिन मुझे उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छा करने से क्या होगा, तो मुझे उसके लिए काम करना चाहिए। तो अगर वो इच्छा ना होना मुझे उस डायरेक्शन में एफर्ट करने से रोकता है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से रोकता है, तो फिर कोई दिक्कत, वी हैव टू रियली एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस। निर्वाण तो एक शब्द है ना, तो क्या मुझे संसार अभी भी बहुत प्रिय लगता है एंड आई कैन वांट टू कंटिन्यू टू डू इट, या व्हाई नॉट। सो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, साधना भी कर रहा हूँ, शील का पालन कर रहा हूँ, समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ, प्रज्ञा के अभ्यास कर रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा अगला जन्म भी अच्छा ही होगा, तो आई कंटिन्यू टू वर्क लाइक दैट एंड आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट गेटिंग अक्रॉस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट कुड बी वन एटीट्यूड। जो बोधिसत्व एटीट्यूड है वो भी इसी प्रकार, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एनलाइटन अलॉन्ग विद अदर्स एंड टेक अदर्स अलॉन्ग विद मी, तो उसे बोधिसत्व वो कहा जाता है कि मैं अपनी एनलाइटनमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, अभी तो मैं अपनी पारमियाँ बढ़ा रहा हूँ और मैं सबको अपने साथ लेके चलूंगा, मैं इतनी पारमी बढ़ाऊंगा कि मैं धर्म को खोज सकूँ जब वो खो जाए, और तब तक दसों पारमियाँ सेवा की, दान की, निष्क्रमण की, शील की, सत्य की, सारी पारमियाँ बढ़ा रहा हूँ, तो वो एक एटीट्यूड हो सकता है उसमें परफेक्ट। तो वन हैज टू सी कि किस एटीट्यूड से हम ये प्रश्न, किस एटीट्यूड से प्रश्न अराइज, अगर वो यहाँ हो इस समय ऑनलाइन तो यू कैन क्लैरिफाई, देन आई कैन बी हेल्प, अगर प्रश्न करता हूँ मुझे मालूम नहीं। सर यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, हमने कह दिया, अगर कुछ इफ यू वांट अ क्लैरिफिकेशन वी कैन डू दैट, यू कैन गो अहेड। जी सर, दिस इज माय क्वेश्चन, आई एम तृप्ति हियर, सो या तो मैं यही जानना चाहती थी कि ये जो मुझे निर्वाण का जो एक वो क्या बोलते हैं ना कि वो क्यों नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे वो चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई प्रयत्न नहीं कर रही हूँ, पर एट द सेम टाइम आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई एम फॉलोइंग द राइट वे द प्रैक्टिस, देन दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, that's why I said clarification was needed in the question, that's a different question altogether, whether I am following the right practice, that is a question which needs to be investigated in detail, main kis tarah se sadhna kar rahi hu aur kya mujhe clear hai ki nirvan ki direction mein ya stream of liberation mein padhna ke liye pehla hi stage maan liye chota panna ka jo baat hai us direction ke liye kya kya karna chahiye, इस तरह के जो चीजें हैं ऑब्स्टेकल्स हैं उसमें क्या क्या मुझे हटानी है, वो मुझे क्लियर है क्या, वो देखना चाहिए, जैसे भगवान समझाते हैं बड़ी स्पष्टता से कि उस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ लिबरेशन इफ यू हैव टू एंटर, श्रोतापन्न की फल और मग में जाना है फिर फल आएगा, तो उसके लिए फेटर्स हैं, जो बंधन है जो हमको जिनकी तोड़ना है, क्या इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज आई एम सेइंग तोड़ना है, मतलब उसको समझना है कि हमारे को बंधन में बांध रहे हैं, तीन फैक्टर्स जैसे कहे जाते हैं, सबका आदित्य शीलबद्ध परामर्श विचिकित्सा, मतलब एक पर्सनैलिटी व्यू, ये मानना कि ये काया ही मैं हूँ, काया मान जो पांच खंड है उसी के प्रति उपादान है, वही मैं हूँ और क्या हूँ मैं, ये मानना। दूसरा कि मैं जो रिचुअल्स हैं राइट्स हैं उसके माध्यम से ही मुक्त हो जाऊँगा, और तीसरा कि मुझे डाउट है अपनी कैपेसिटी पर, जैसे आप कह रही हैं अपनी कैपेसिटी पर डाउट है, भगवान की शिक्षा पर ही डाउट है, पता नहीं वो सचमुच में एनलाइटेंड थे नहीं थे, मैं फॉलो तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट फैक्टर्स
जिनको अगर हम हटा दें तो हम अपने आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे. तो rather than worrying कि मुझे निर्वाण प्राप्त होगा कि नहीं, we look at the obstructions to that. तो वी सी अच्छा शिव के जो सबसे प्रोमिनेंट जो वो है वो सत्कायदे, ठीक है, वो अगर टूट जाए तो अपने आप बाकी भी काफ़ी हद तक ढीली हो जाती है. तो वो सत्कायदेठी का मतलब कि मैं काया में सत्य को मानता हूँ. काया का मतलब शरीर ही नहीं, बाकी पांचों खंड को मिलकर भी खंड काया के रूप में कहा जा सकता है. तो क्या मैं पांच खंडों को मैं अपना मानता हूँ या मैं हूँ यही मानता हूँ या उसको मेरा सेंस? तभी भगवान कहते हैं कि लोग इसको या तो मानते हैं ये मेरे हैं या ये मेरे मैं हूँ या ये मेरी आत्मा है. तो ये अगर मानता हूँ तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगा. तो उसके लिए इसीलिए जो डायरेक्शन है उसकी, अगर हम पहला और दूसरा सूत्र पढ़ लें भगवान का, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और अनत्य लक्षण सूत्र, तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आने लगती है. देन यू कैन असेस कि मैं उस डायरेक्शन में साधना कर रहा हूँ या नहीं. हाँ, वो फेटर्स की बात उनमें नहीं आती, बट फेटर्स आप इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं. और इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डिस्कस independently, you can discuss with me or with your teacher, whosoever is your teacher. काफी clarity मिली इस answer से मुझे. Thank you, sir. Okay. अगला प्रश्न है वो धातु मनसिकार पब पे है कि जब हम धातु मानसिकार पब्बम की साधना करते हैं तो हम हेवीनेस से लाइटनेस महसूस करते हैं. इन अदर वर्ड्स, पृथ्वी धातु ग्रेजुअली गिविंग वे टू वायु धातु, लेकिन शरीर का जो वजन है वो उतना ही रहता है. तो जो प्रश्न है वो ये है कि इज द बॉडी एक्चुअली चेंजिंग और इज इट ओनली द परसेप्शन ऑफ द बॉडी चेंजिंग ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन? It is actually the way we perceive the body which is changing. क्योंकि हम जो ये जो धातुओं की बात करते हैं या जो भी हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, संसार के बारे में या अपने शरीर के बारे में, हम उसको अनुभव कैसा कर रहे हैं वो कह रहे हैं. वो चीज़ वास्तव में कैसी है उस वो भगवान की शिक्षा में उस पर चर्चा नहीं होती. चर्चा ये होती है कि हम उसको कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ वास्तव में कैसी है वो हम कभी जान ही नहीं सकते. अब तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी इस बात को मान गई है दैट द थिंग इन इटसेल्फ कैन नेवर बी नोन. व्हाई? बिकॉज द ओनली वे वी नो थिंग्स इज थ्रू अवर सेंसेस एंड देयरफॉर यू ओनली गेट अ इंफॉर्मेशन व्हिच इज लिमिटेड. जो लिमिटेड किससे? लिमिटेड बाय अवर सेंसेस. जितने मेरी आंखों की क्षमता है मैं उतने ही रेंज में देख पाता हूँ. मैं कह सकता हूँ ये फूल लाल है, लेकिन वो फूल लाल नहीं है, मुझे लाल दिख रहा है. ये फूल बड़ा सॉफ्ट है, उसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं है, वो मुझे टच करने पे सॉफ्ट महसूस हो रहा है. उसमें स्मेल है, उसमें क्या है वो एग्जैक्टली नहीं मुझे मालूम. जो स्मेल, जो मैं उसकी स्मेल का पोर्शन ले पा रहा हूँ, उसकी स्मेल ऐसी. तो ये एक बड़ा फंडामेंटल डिलेमा है जिसको हमको, जो संसार के बारे में जानने में भ्रम में रहता है कि हम संसार को सचमुच में जान रहे हैं कि संसार ऐसा है. वो संसार में शरीर भी है. तो हम किसी भी चीज़ को केवल अपने इंद्रियों के माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से, और उसकी एनालिसिस मन से होती है. पांचों इंद्रियों का जो इनपुट आता है उसको मन एक मेंटल पिक्चर बना के क्रिएट कर देता है. अच्छा ये है, ये बिल्डिंग है, ये कार है, ये मेरा शरीर है. इट्स ऑल अ मेंटल पिक्चर. तो जो मॉडर्न साइंस में, जहाँ तक न्यूरो साइंस में और स्टडी ऑफ सेंसेस हुआ, खासतौर पर आँख और कान का जो डिटेल स्टडी हुआ, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये जो है फिनोमेना क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं है. आँख में जो एनालिसिस करते हैं उससे अंदर लाइट गई रेटिना पे और उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए ब्रेन में, तो वो न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं और वो एक पोर्शन ब्रेन के फायर होके कैसे इमेज बन गई किसी को कुछ नहीं मालूम. बस कैसे बन जाती है ये मालूम है कि हमें लगता है कि हम देख रहे हैं, मटीरियली क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम. तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द मैटर एज सच, बट क्वालिटी ऑफ द मैटर इज परसीव्ड बाय अस. और अब ये मॉडर्न साइंस भी उस डायरेक्शन में चल रही है, जो खासतौर पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं क्वांटम थ्योरी के वगैरह के, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस का रोल परसेप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग आता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या किस तरह से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है. तो इसी तरह से हम शरीर को कैसा अनुभव कर रहे हैं मेरी चित्त की चेतना पर डिपेंड करेगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर डिपेंड करेगा, मेरा चित्त अब कितना अशुद्ध है उस पर डिपेंड करेगा, चित्त में कितना राग द्वेष है उस पर डिपेंड करेगा.
So they all condition the mind, and therefore I perceive things in a different manner. Okay? तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है जब हम देखते हैं और धीरे धीरे हैवीनेस कम हो जाती है, वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, तरंगे महसूस होने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं क्योंकि हमारे कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि हम उसके अंदर ठोस पने के अंदर जाकर पेनिट्रेट कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ये जो है सब कंस्ट्रक्शन तरंगों की है और जो सॉलिडिटी है वो इसीलिए है कि तरंगे बहुत तेज द्रुत गति से चल रही हैं। जैसे पंखा बहुत तेजी से चलता है तो एक सॉलिड डिस्क लगता है, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते, वो सॉलिड है, वो काट देगा। बिल्कुल उसी तरह से जो वाइब्रेशन है बॉडी के अंदर और रे का मैटर के अंदर वो इतनी तेज हो रही है कि आप उसके हाथ डाल के अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन अगर आप मन की पावर बढ़ा दें, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ा दें, देन यू कैन पेनिट्रेट माइंड, यू कैन पेनिट्रेट द ब्रेन फ्रॉम हेयर एंड द टेंशन विल गो थ्रू राइट थ्रू एंड कम आउट फ्रॉम देयर। व्हेन यू प्रैक्टिस डीपली यू कैन सी दैट। सो द अटेंशन कैन गो बिकॉज इट इज अ नॉन मटीरियल थिंग, इट कैन पास थ्रू एंड यू कैन फील कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। So you are in a actually changing our level of awareness and changing the ability to see. That's it. ऐसा नहीं है कि matter बदल रहा है, matter का स्वरूप बदल रहा है, उसका experience बदल रहा है। There are many, so many types of techniques, Vipassana techniques available or being followed. How can one know which one is right and really helpful? How can one be sure that he or she is on the right path? See, जैसे कहा जाता है, the taste of pudding is in eating it. तो आप जो path follow कर रही हैं, उससे कितना लाभ हो रहा है, आप जांच कर पता चल जाएगा। कि हाँ मुझे इस हद तक लाभ हो रहा है और क्या मुझे कुछ लाभ हुआ और फिर मैं रुक गया, उससे आगे मेरा लाभ नहीं हो पा रहा, कहीं स्टैग्नेशन आ गई, एक प्लेटू पहुंच गया, लाभ हुआ शुरू शुरू में और फिर एक प्लेटू आ गया, उससे आगे मैं पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। और वो उसमें निर्भर करेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मन शांत हो जाए तो मैं उससे खुश हो जाऊँगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, फिर कुछ भी कर सकता। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं माइंड को ठीक से समझूँ, मेरी एबिलिटी हो कि मैं ठीक से, मेरी सम्यक दृष्टि हो, मेरी प्रज्ञा बढ़े, मैं मेरा मन एकदम चित्त जो है एकदम हमेशा उपेक्षा भावना में प्रश्न रहे, हमेशा किसी भी लोक धर्म के संपर्क से मेरा चित्त भी कंपायमान ना हो, अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो फिर आप देखेंगे वो ये तो अभी मन शांत तो हो जाता है लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर वो बेचैन हो जाता है, फिर और उससे आगे बढ़ेंगे कि क्या मेरे को ये चाहता हूँ कि मेरे शांत मन शांत हो चाहे बेचैन हो, मुझे कोई फर्क ना पड़े, मैं उस स्थिति पे पहुंच जाऊँ कि मन की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा, मैं जान रहा हूँ मन अनित्य है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, सो इट जस्ट डजंट मैटर, आई स्टे इन अ स्टेट ऑफ पीस बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग, देन देयर इज अनदर लेवल ऑफ प्रैक्टिस। तो मेरे किस हद तक, और यार यू कैन फॉलो द पैराडाइम ऑफ फैटर्स, कितने कितने फैटर्स मेरे कट रहे हैं उस हिसाब से मैं पैराडाइम जो भगवान की शिक्षा में कई तरह से दिया हुआ है असेस करने के लिए कि किस तरह से हमारी साधना आगे बढ़ रही है कि नहीं। तो आप कोई भी जो भी उचित आपको तरीका लगे उसके हिसाब से जांच कर सकते हैं और मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये साधना मुझे यहाँ तक ले जाएगी, हाँ मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए, या ये साधना मुझे बिल्कुल अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगी, निर्वाण तक ले जाएगी, मुझे सारे जो संयोजन है वो सारे काट देगी, बढ़िया, देन आई एम फॉलोइंग द राइट पाथ। Now the next question is, I am just not able to make my mind still. वो विचारों में 5 मिनट से कम में भाग जाता है और मैं ऐसे माइंड से के साथ कैसे काम करूं? इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है, प्लीज गाइड, नीड योर गाइडेंस। वो एक्चुअली इट अगेन डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी, बैकग्राउंड प्रश्न करता है कि बैकग्राउंड मालूम होनी चाहिए टू गिव अ प्रॉपर एडवाइस, और जनरल एडवाइस यही कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए आनापान करने की ताकि मन धीरे धीरे शांत हो जाए। अगर सामान्य
दिक्कत ये होती है कि हम आनापान को भी डिफिकल्ट बना देते हैं कि हमको इतने ही एरिया में ही सांस को ध्यान को रोकना है, तो सचमुच बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, खासतौर पर जिसका मन बहुत भटक रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो फिर जो सहज तरीका है कि आप शांति से बैठ जाइए और जहाँ भी मन सांस का आना जाना मालूम हो वहीं पर मन लगा लीजिए, यहाँ मालूम हो रहा है, पेट पे मालूम हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम देयर, ताकि सांस को देखने की आदत पड़े और मन को भटकने से रोका जा सके। बेसिकली जो ट्रेन करना है माइंड को, जिसका माइंड जैसा है उस हद वहीं से शुरू करेंगे। तो अगर मन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भटकता है, तो देन वी शुड प्रैक्टिस लाइक दैट। और ये भी एक वैलिड मेथड है कि आप शांति से बैठ जाइए और जो भगवान की वाणी है उसमें कहा जाए कि अटेंशन को सामने रख लीजिए अपने, एंड यू फील द ब्रेथ व्हेरेवर यू कैन, और फिर धीरे 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 एरिया ऑफ अटेंशन को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एब्डोमेन, देन फ्रॉम चेस्ट, देन टू नोज, इन दैट एरिया। जितना एरिया कम करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मन को शांत करने के लिए इतना भी काफ़ी है कि अगर आप इससे शुरू करेंगे लंबे समय तक, या यहाँ पे देख के इसके चेस्ट का एक्सपेंशन कंट्रैक्शन देखते रहेंगे, धीरे 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 मन शांत हो जाएगा, एंड देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो उस हिसाब से कर सकते हैं। कईयों का मन इतना ज़्यादा बेचैन रहता है कि नहीं हो पाता, ये भी नहीं हो पाता, तो फिर कहा जाता है कि आपको सचमुच में इन्वेस्टिगेट ही करना चाहिए उस स्थिति में। तो कहेंगे ऐसी स्थिति में कैसे इन्वेस्टिगेट करें, देन यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट मेरे जीवन में क्या है ऐसा जिसके कारण मेरा मन भटकता रहता है, कहाँ भटकता है, किन चीज़ों में भटक रहा है, कौन से विचार हैं जो मेरे को बार बार, तो नॉर्मली कोई ऑब्सेसिव थॉट होता है जिसमें भटकता रहता है, तो देन यू इन्वेस्टिगेट ये ऑब्सेसिव थॉट क्यों है, तो यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फोर नोबल ट्रूथ्स। स्टार्ट फ्रॉम मेरा मन इस ऑब्सेसिव थॉट पे फंसा हुआ है, ये दुख है, मन का भटकना बहुत दुख है, दुख हो रहा है, तो जस्ट सिट डाउन, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिट डाउन विद इट एंड सी मन भटक रहा है, भटक रहा है, देखते रहिए, शांति से देखते रहिए, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप डाउन, इट टेक अ लॉन्ग टाइम बट इट विल स्टॉप डाउन, बिकॉज यू आर बेंट ऑन सीइंग इट, यू हैव मेड अप योर माइंड टू सी इट। मन भटक रहा है, देखते रहिए कब तक भटकेगा, देखते रहिए, कुछ मत करिए, then you will be able to see, यही thought बार बार आ रहा है, कोई बार बार आ रहा है, मतलब मैंने कुछ ऐसा काम किया है या तो कोई गलत काम किया है जिसकी परेशानी है, या भविष्य की कोई चिंता है या ऐसी बात की है, so then you can discover what is the cause of suffering, then that cause can be let go of, so you can really follow the paradigm of four noble truths. It may look difficult in the beginning कि भाई मेरा मन तो टिकता ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा, आप करके देखिए, होता है ऐसे भी होता है कई, इनफैक्ट in some of the commentarial literature it is recommended that if nothing works then you really sit and investigate what is it that is causing my mind to distract so much. Usko dekhna padega ki koi na koi karan hoga na, jo samanyata aisa hota koi thought aisa hai jo obsessive hai, jo mere ko chahiye aisa hi hona chahiye, aisa hi hona chahiye, ya aisa maine kar diya, aisa maine kar diya, then you can really try to let go of that obsession. Wahan se jab obsession ko chhoda dheela chhodenge, usko त्यागने का प्रयास करेंगे, तो मन अपने आप संयमित होने लगेगा। सर अगला प्रश्न है कि आई एम वेरी अटैच्ड टू माय पेरेंट्स और उनको कुछ हो जाएगा इस विचार से ही मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। जो फोर नोबल ट्रूथ्स हैं वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं और वो अंदर सीप इन नहीं हो रहे हैं, तो सेम फियर्स और सेम इमोशनल स्टेट्स जारी है। हाँ, तो the four noble truths should be put to practice. That is the way you should put it into practice. Sit, थोड़ा मन को शांत कर ले अगर संभव हो, और शांत करके just reflect जो issue है उसको reflect करिए। अच्छा, if the parents something happens to parents, they get ill or they unfortunately pass away, I mean old people will pass away, I will also die soon, who knows, and there's no guarantee of when who will die first and who will die second, there's no issue, there's no guarantee of any kind, but if there is a particular issue, attachment to person X, person Y, then we should bring it to the surface and let that suffering inform us kya ho raha hai, kaise suffering ho rahi hai, and then if you understand the cause, you can begin to let go, means just observe. This is the suffering because of attachment.
There is the suffering because of attachment. And see what is it, what effect it produces on the body. वो बहुत आवश्यक है कि काया में उस सफरिंग का क्या असर हो रहा है, इस कृष्णा का, इस अटैचमेंट का काया पे क्या असर हो रहा है. आप अगर उस काया पे असर को देखेंगे तो धीरे धीरे उसका जो स्ट्रैंगल होल्ड है हमारे मन के ऊपर वो कम हो जाता है. अब तो फोर नोबल ट्रुथ्स को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, प्रैक्टिस इट. देन बिकॉज यू नो कॉज इज अटैचमेंट, देन यू हैव टू ट्राई टू सी दैट एंड सी हाउ मच सफरिंग इज कॉज बाय अटैचमेंट. And then slowly जो अटैचमेंट है उसका जो रस्सी है वो थोड़ी थोड़ी ढीली होने लगती है. When you begin to see it, especially उसका जो असर शरीर में हो रहा है उसको देखने लगते हैं तो काम उस डायरेक्शन में चढ़ने लगता है. सर, अगला प्रश्न है कि what is the meaning of chattari purusa yugani atta purusa pugala in a chanting of Sanghanusati? Yeah, we have, I think, mentioned earlier also. Basically, it refers to four stages of liberation. Chattari Yugani, four couples. Couple in the sense ki Shvetapati Mag or Shvetapati Phal. So, jo Shvetapati Mag pe chal raha hai aur jo usko Phal ka experience ho gaya. So, ye ek yugal hai. They're basically of the same kind. कई लोग कहते हैं कि श्वेतापत्ति मग इज जस्ट द फाइन माइंड मूवमेंट बिफोर दैट, समबडी सेज नो इट्स नॉट दैट, यू डोंट गेट इनटू द ऑल दोस निटप्रिक्स. बेसिकली वन हु इज राइटली ऑन द पाथ टू बिकम ए श्वेतापन्न एंड अदर हु इज वंस हु हैज एक्सपीरियंस दैट, दैट फॉर्म्स वन ग्रुप. देन सेकेंड ग्रुप जो उसका नेक्स्ट स्टेज है, सकदागामी, सकदागामी मग, सकदागामी फल, अनागामी मग, अनागामी फल, अरंत मग, अरंत फल. तो इस तरह से वो आठ हो. दैट्स द वे ट्रेडिशनली इट हैज बीन अंडरस्टूड. तो जो संघ की व्याख्या की जाती है कि संघ में इस तरह के आठ तरह के लोग हैं. सर, भगवान बुद्ध के पहली देशना को धम्म चक्कन पवत्तन क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धर्म चक्र का प्रवर्तन किया गया. प्रवर्तन में प्रवर्तन किया, इट हैज बीन सेट रोलिंग. द व्हील ऑफ धम्मा हैज बीन सेट रोलिंग, व्हिच मींस कि जो टीचिंग लॉस हो गई थी, जो खत्म हो चुकी थी उस समय संसार से, उस टीचिंग को भगवान ने रीडिस्कवर किया और उसको ही सेट इट इन मोशन. जो पांच भिक्षु थे उनको शिक्षा दी और उनको उसका फल प्राप्त हुआ, तो पांच अरहंत बने उसके बाद. सो देन दो वो पांच अरहंत आगे बढ़ेंगे और आगे को फैलाएंगे, तो द व्हील ऑफ धम्मा सेट्स रोलिंग, मतलब वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चलेगा वो, उसको अब आप वापस नहीं कर सकते. उस सेंस में धम्म चक्र प्रवर्तन का. सर, अगला प्रश्न सम्मा आजीविको पे है कि मैं एक रेस्टोरेंट में कुक का जॉब करता हूँ और मुझे चिकन काटना पड़ता है और सर्व करना पड़ता है, तो क्या एक शेफ का जो लाइवलीहुड है क्या उसको ठीक मान सकते हैं हम या गलत मानेंगे हम, क्योंकि हमें मीट में ट्रेड करना पड़ता है? देखिए, इफ वी जहाँ तक मेरी समझ है, अगर मार्केट से मीट खरीद के आ रहा है और आप उसको ड्रेसिंग करके पका रहे हैं, सो देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन्वॉल्वड, यू आर नॉट डूइंग किलिंग. बट अगर आप चिकन को लेकर खुद मार रहे हैं तो देर इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व. आई डोंट नो, व्हेन ही सेज चिकन आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन, द लाइव बर्ड इज कमिंग और द किल्ड बर्ड इज कमिंग. आई डोंट नो क्या होता है रेस्टोरेंट में, तो मेरे ख्याल से तो वही आता होगा जो बाहर से मीट ही आता हो, दैट्स व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग. तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. जी सर, अगला प्रश्न है टेलीपैथी पे. इज टेलीपैथी रियल? जो नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो मेडिटेशन नहीं करते और स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं होते, वो भी अगर किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो विचार उस इंसान तक पहुंच जाता है, जबकि कोई वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता उन दोनों के बीच में. तो डज So how does automatic thought transmission take place, or does it really exist for ordinary people, or is it just a myth?
or and is there any scientific evidence for telepathy? मतलब ये हमारे अनुभव में तो आता ही है ना, हम लोगों के अपने अनुभव में भी आता है कि आप किसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं और द पर्सन कॉल्स यू बैक, उस समय फोन आ जाएगा, और ये सबके अनुभव में आता है, मेरे भी अनुभव में बहुत आया है, खासतौर पर उनके प्रति जिनके प्रति कोई आप गहन उनसे इंटरेक्शन हो रहा है या बातचीत हो रही है या आपके साथ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ मैच करती है, वेरी स्ट्रॉन्ग sense of telepathy that you think something about them and they are also thinking about you, or they are actually caught in some thinking process and you say, call him and say, why don't you do this, and he say, oh, I was thinking what to do, and it has happened many times with me, with many other people. It's a common phenomena. Of course modern science traditionally to is baat ko nahi manti, but ab dheere dheere पिछले 15-20 साल में काफी चेंजेस हो गए हैं, एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडी डन ऑन दैट, और उसके अंदर प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उनका नाम है रूपर्ट शेल्ड्रेक। तो अगर रूपर्ट शेल्ड्रेक की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यू फाइंड, उन्होंने एक रिसेंटली मतलब कंपैरेटिवली रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया था, पांच वहाँ की बहनें थी जो फेमस सिस्टर्स हैं, जो मतलब क्या कहते हैं ट्रूप है, ट्रूप होता है ना, पांच लड़कियां साथ मिलकर गाना करती हैं, डांस करती हैं, उनके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उनमें से एक को अलग होटल में रख दिया, बाकी को अलग जगह रख दिया, और उनसे कहा कि अब आप सोचिए अपनी बहन के बारे में, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू कॉल देम, और उसको बहन से कहते थे बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस पिक अप द फोन, यू थिंक कौन आपको बोल रहा है एंड यू आर रिप्लाइंग, एंड दे वेरीफाइड दैट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, आई मीन इट्स नॉट 100% बट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आंसर। तो उसके आप डिटेल अगर चाहें रूपर्ट शेल्ड्रेक की वेबसाइट में आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, खासतौर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कुत्तों पे और उनके मालिक पे, कि कुत्ते को अपने मालिक का आना उसके आने से आधा घंटा पहले ही पता चल जाता है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 90% रिलायबिलिटी है उसमें। तो उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट बाकायदा साइंटिफिकली किए हैं और प्रूव किया है कि ये पॉसिबल है। सर दो तीन प्रश्न चैट पर हैं, अगर समय हो तो मैं पूछ लूं सर। चलिए अगर शॉर्ट होंगे तो कर लेते हैं। जी जी कि इज स्मोकिंग सिगरेट्स इन एनी वे ब्रेकिंग अ प्रिसेप्ट और मॉरली रॉन्ग? इट यूज्ड टू बी कॉमन फॉर मंक्स टू स्मोक इन अर्लियर डेज एट मोनेस्टरीज इंक्लूडिंग अजान चार्ज मोनेस्टरी। स्मोकिंग बाय इटसेल्फ अनलेस इट इज इट हैज अ इंटॉक्सिकेंट is not seen as a strictly violation of precept, but intoxicant hoga to ho jayega, but it's seen as a habit carried over from the past, but those who are more careful they have started giving it up. There have been cases of highly accomplished masters smoking or taking betel because of their past sankhara which has been continuing. So if somebody points out and give it up, this is for example in case of Ajahn Chah, he used to take betels not needed a foreign disciple like Ajahn Sumedho to tell him, mujhe achha nahi lagta, achha achha chhod dete hain, and gave it up. Sir, regarding moral precepts being universally followed and accepted by everyone, is wearing revealing clothes, especially by females, and open intimate shows of physical affection in public between a man and a woman right and acceptable? You see, this is a cultural issue really. We shouldn't make value judgments on that. Different people have different cultural norms. So there is a value in modesty, definitely. There's a value in keeping some things in private, some things in public. But if some cultures, it is okay with them, so be it. We don't need to pass judgments on that. We can do what we feel is good for our culture. Asian culture in general has been of that kind. But slowly you find even there changes are there. We used to go to South Korea when our son was there for a number of times. They're quite different now. Slowly, though it was originally a Buddhist country, things have changed substantially. The way they dress, the way they talk. So these are all cultural issues which should not be given. I mean, it's not promiscuity. It's not Vyabhichar, it's not trying to break the precept of a third precept. So, you should allow that leeway
in dressing, the way people catch each other's hold or embrace each other in the public. Those things can be overlooked. I don't think I would give much strong value to that. I used to give it long back, but having visited a number of countries where my son used to live, I realized that that was pretty normal for them. Sir, ek antim prashna hai, unable to maintain morning sitting due to laziness. And isko kaise overcome kare? So you can request Shivani to call you up on phone. Okay. बेसिकली अगर धर्म संवेग जाएगा तो अपने आप लेजीनेस कम हो जाएगा. कि धर्म संवेग उतना ज्यादा नहीं होता तो लेजीनेस ज्यादा होती है. अगर आपको इफ यू रियली स्टडी द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन दैट सेंस दोस सूत्रास वेरी मेंशंस दिस हाउ बर्थ इज सफरिंग हाउ एजिंग इज सफरिंग हाउ ओल्ड एज इज सफरिंग एंड हाउ व्हाट शुड बी द एटीट्यूड विद विच यू शुड प्रैक्टिस. Or you read, or you listen to Aditya Paryaya Sutta, padhiye, eyes burning, nose is burning, burning with craving, aversion, delusion. And it can shake you up and make you more sensitive to the need for practice. But you can always take help. Though I said it in a lighter vein, but it's good to take help of a friend. Bhai, mujhse subah uthane jata, phone kar dena, uth jao. It's very simple. सर एक बहुत ही छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैं ध्यान करता हूँ बड़ी शांति का अनुभव करता हूँ पर ऐसा लगता है कि नींद में चला गया हूँ क्योंकि कई बार बाहर का ध्यान नहीं रहता. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ अटका हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में नहीं हूँ. कृपया बताएं. तो आपको जांचना पड़ेगा ना. मैत्री करते समय मन शांत हो रहा है और शांति का हमारा अनुभव नींद के साथ रिलेटेड है तो ये काफी कॉमन है कि मैत्री अगर करते हैं तो नींद आ जाती है. तो देन वन हैज टू बी अलर्ट. उसके लिए तो अपनी अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी. दिस इज ऑन द वे. सो यू कैन सी कि अगर आपका स्वभाव जनरली रागात्मक स्वभाव है तो मैत्री करने से ये ऐसी परिस्थिति ज्यादा आती है. तो फिर आपको यू शुड प्रैक्टिस समथिंग एल्स. इफ देयर इज अगर आपकी टेंडेंसी में राग ज्यादा है तो यू शुड प्रैक्टिस अदर फॉर्म्स ऑफ अनुसुतिस विच अराउज द अर्जेंसी. मरणानुसुति फॉर एग्जाम्पल. मरणानुसुति करेंगे तो अर्जेंसी जाएगी, नींद नहीं आएगी. सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ अरण्य विहार ट्रस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आपके इतने प्रश्नों से सबका समाधान होता है. And sir, specially Bahujan Hitaye, Bahujan Sukhaye में आप निरंतर लगे हुए हैं sir. आपका आपकी guidance हमारे लिए एक बहुत it's like you know that वो जो lighthouse. Closing moments. Let's practice closing moments. And I request Rajendra ji to do the closing homage, please. If he's online. Is he there or is he gone? Yeah, no, I'm there. मंगलं रखन्तु सर्व देवता सर्वभूतानुभावेन सदा सती भवन्ते. भवतु सर्व मंगलं रखन्तु सर्व देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्ति. सर्वमङ्गलं रखन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्ति. अरहंस महासंबुद्धो भगवत् बुद्धं भगवन्तं अभिवादिनः.
Sakato Bhagavata Dhammo Dhammasaka Supatipanno Thank you, everyone, and thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.